हेलो व्यूअर, पिछली वीडियो में हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पर एग्जांपल देख सकते हैं। पहले तो ये आप सीख ले कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट जैसे कोई सामने आप सामने से आपसे कोई बात कर रहा है, ठीक है। फिर जब थर्ड पर्सन उस बात को कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, वो इनडायरेक्ट हो जाता है। अब आप एग्जाम्पल में देख लो तो आप समझ जाओगे। देखो, आई एम एल वो कह रहे हैं मैं बीमार हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और को कह रहा हूँ या ये बात मैं उसको बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, शी से दैट शी इज इल, उसने बोला कि वो बीमार है। दूसरा एग्जाम्पल है शी सेंग अ सॉन्ग, सो हम क्या कहेंगे तीसरे बंदे को, शी सेज दैट शी सेंग अ सॉन्ग। अब इसमें और भी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो वो पास्ट सिंपल में हो जाता है कन्वर्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में। तो इस तरह कैन जब आएगा तो वो कुल्ड में, और हैव टू क्या हो जाएगा, वो हैड टू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन ये बिगिनर कोर्स है तो हम ज़्यादा गहराई में नहीं डिस्कस कर रहे, बस सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें वो डिस्कस कर रहे। तो अगली वीडियो में हम आर्टिकल एंड टेंसेस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।